हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके सामने लौकी की खीर की रेसिपी लेके आई हूँ। और यकीन मानिए, ये खीर बहुत ही टेस्टी और बनाने में बहुत ही आसान है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो, जो भी अपडेट है, वो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। काउ मिल्क 550 ml, शुगर 1 कप, क्रश लौकी 1 कप, राइस कोई भी ले सकते हो आधा कप, इलायची पाउडर 1 टेबल स्पून, चॉप्ड एलमंड या फिर अपने मनपसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट। अब हम एक पतीला या फिर भगोना लेंगे और उसमें काउ मिल्क डालेंगे, अपना दूध डालेंगे और गैस पर हाई फ्लेम करके रख देंगे, जब तक दूध हमारा उबलने ना लगे, जब तक हमें हाई फ्लेम तक रखना है। और ये देखिए, मैंने काउ मिल्क लिया है, आप चाहो तो बफेलो मिल्क ले सकते हो, बट बफेलो मिल्क में आप थोड़ा सा पानी डाल लीजिए। और ये मैंने राइस जो है वो मैंने 10 मिनट पहले भिगो दिए थे, ताकि वो साफ़ हो जाए, क्लियर हो जाए। और ये देखिए, हाई फ्लेम पे रखा था, दूध हमारा खौलने लगा है। अब हम इसमें अपने धुले हुए राइस डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमें तुरंत ही मिक्स करना है, क्योंकि राइस जो है उन्हें आप तुरंत नहीं हिलाओगे तो जो गट्ठे टाइप के होते हैं वो हो जाता है, वो खीर में फिर अच्छे नहीं लगेंगे। गैस की फ्लेम हमें मीडियम कर देना है, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पूरी खीर हमें पकाना है, ताकि वो उसका टेक्सचर है और बहुत ही अच्छे से खीर पक जाए हमारी। और चावल को हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देते हैं, बीच बीच में आप स्टिरिंग करते रहिए। और ये देखिए, 10 मिनट हो गए हैं, चावल बहुत ही अच्छी तरह से पक गए हैं हमारे, काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं, आप देख सकते हैं। मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ, देखिए बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं। ये चावल में जो वाइट वाइट रह जाता है ना, वो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए और अच्छी तरह से पक जाने चाहिए चावल। इसके बाद अब हम अपनी क्रश की हुई फ्रेश लौकी डालेंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। देन नेक्स्ट हम शुगर डालेंगे इसमें, लौकी और शुगर हम साथ में ही डाल देंगे। अभी हमारी खीर थोड़ी थिक थी, अब उसकी कंसिस्टेंसी पतली हो जाएगी लौकी और शुगर डालने के बाद। और ये देखिए, हमने शुगर भी डाल दी है और इन चारों चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। गैस की फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। लौकी काफ़ी जल्दी, बहुत जल्दी ही पक जाती है और ये तो हमारी फ्रेश लौकी है, तो बहुत ही जल्दी पक जाएगी, 10 मिनट में पक के रेडी हो जाएगी। तो 10 मिनट तक हम इसको पकाते हैं। देखिए, शुगर और लौकी डालने से खीर काफ़ी पतली हो गई है और पानी छोड़ दिया है शुगर ने और लौकी ने, इसलिए वो फिर से ठंडी हो गई है। अब हमें हाई फ्लेम पे फिर से गर्म करके पकाना है और अच्छे से इसको स्टिरिंग करते रहना है। जब भी हमारी खीर खौलने लगे, पकने लगे, फिर हमें तुरंत अपनी गैस की फ्लेम मीडियम कर देनी है, लो कर देनी है। एक्चुअली ये मेरी बहुत ही फेवरेट खीर है, मुझे बहुत ही पसंद है ये खीर और शायद आपको भी पसंद हो। और इस टिप से बनाओगे तो सच में खीर बहुत ही डिलिशियस, बहुत ही टेस्टी लगने वाली है आपको।
ये देखिए हमारी पकने लगी है खीर। अब धीरे धीरे हमें अपनी गैस की फ्लेम लो कर देनी है या फिर मीडियम कर देनी है। खीर हमारी पकने लगी है। अब हम अपनी गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसको 10 मिनट तक पकने देंगे ताकि चारों चीज़ एक दूसरे में घुल मिल जाए और खीर बन जाए। और ये देखिए खीर हमारी बहुत ही अच्छी तरह से पक गई है। 10 मिनट पूरे हो गए हैं, बट अभी फिर भी थोड़ी और पकानी होगी, कंसिस्टेंसी मैनेज करनी होगी। और क्या करना है, एक मैं ट्रिक बताती हूँ आपको। थोड़े से चावल, और जैसे मैं कर रही हूँ, चावल और लौकी को साइड पे ले जाते हुए और ऐसे मसलते रहना है इसको। आप देख सकते हैं वीडियो में। तो ऐसे करने से क्या होगा ना, जो खीर में चावल और लौकी है वो अच्छी तरह से मतलब पक जाएंगे और अच्छी तरह से घुल जाएंगे और खीर की कंसिस्टेंसी थिक हो जाएगी। और ऐसे करके और 5 मिनट तक और पकाएंगे, क्योंकि थोड़ी पतली है खीर, उसकी कंसिस्टेंसी मैनेज करनी होगी। तो एटलीस्ट 5 मिनट तक पकाना होगा हमें। और ये देखिए खीर हमारी पक के रेडी है। देख सकते हैं आप, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही हमें रखनी है। और इसको अब हम ठंडा करते हैं। और इसमें अभी हम इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट नहीं डालेंगे, बाद में डालेंगे। और क्योंकि मुझे ड्राई फ्रूट पसंद नहीं है इसलिए मैंने नहीं डाले, बट मैं आपको सर्व करूँगी तब ज़रूर डालूंगी। और ये देखिए खीर हमारी ठंडी हो गई है 10 मिनट के बाद। काफ़ी हद तक ये ठंडी हो गई है। देन अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ठंडी खीर में इलायची पाउडर डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, और गरम खीर में डाल तो सकते हो बट इतनी खुशबू नहीं आएगी। आप चाहो तो इसमें आप अपना कोई भी फ्लेवर डाल सकते हो। और ये देखिए मैंने सर्व कर लिए खीर आपके लिए। तो मन कर रहा है ना खाने का, कितनी अच्छी लग रही है, ड्राई फ्रूट डले ऊपर से और बहुत ही सुंदर लग रही है देखने में। तो आई होप कि ये खीर की रेसिपी आप सभी को पसंद आई होगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए कि ये खीर की रेसिपी आपको कैसी लगी है। और अगर आप इस वीडियो को शेयर करो या फिर किसी को बताओ तो मुझे ज़रूर बताना कि उन्होंने क्या कहा है। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। और अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।